सकल तुम साथ और मनोरथ जो कोई बा सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत है तुम रखवार असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जान के माता। राम रसायन तुम्हारे वासा सदा रहो रघुपति के दासा। हमारे राम जो से तुम्हारे राम जो से राम राम। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। राम को पावे जन्म जन्म के दुख मिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीर जो सुमिरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव तिनाय। जो शतवार पाठ कर कोई छूट नहीं बंदी माज कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओ सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास महडेरा पवन तरय संकट हरण मंगल मूरति रो। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भो। हमारे राम जो से हमारे राम जो से राम राम। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गावोरे गावोरे। सीताराम सीताराम गावोरे गावोरे। सीताराम सीताराम गावोरे। बोले श्री वांगे बिहारी लाल की जय। किशोरी यही मांग
किशोरी यही मांग मेरी, पाऊं श्री चरणों में विश्राम। किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में जीवन की हो शाम। किशोरी यही मांग मेरी। किशोरी यही मांग मेरी, मेरी भैया श्यामाले न थाम। किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम। किशोरी यही मांग मेरी, पाऊं श्री चरणों में विश्राम। किशोरी यही मांग मेरी। जीवन की संध्या वेला हो प्यारी, जीवन की संध्या वेला हो प्यारी, नैनों में हो छवि तुम्हारे, नैनों में हो छवि तुम्हारी, मेरे मुख में हो किशोरी श्यामा यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम। किशोरी यही मांग मेरी, पाऊं श्री चरणों में विश्राम। किशोरी यही मांग मेरी।
जन्मों जन्म की प्यास यही है, जन्मों जन्म की प्यास यही है, सब भक्तों की आस यही है, सब भक्तों की आश यही है। प्यारी मिल जाए परसानों धामो किशोरी यही मांगो मेरी, तेरी चरणों में हो जीवन की शामो किशोरी यही मांगो मेरी, पाऊं प्रिय चरणों में विश्रामो किशोरी यही मांगो मेरी, त्रिराधे मेरी मांग यही, त्रिश्यामा यही मांग मेरी। श्री राधे, श्री राधे। श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान में किस पावन पवित्र सप्तम दिवस विश्राम दिवस की कथा की हम सभी लोग श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूप श्री भागवत जी का हम सभी लोग पूजन करेंगे, स्तवन करेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। ओम नमो प्रातपदये, नमो गणपतये, नमः प्रमदपदये, नमस्ते अस्तु लंबोदरायैक दंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। वाङ्मय स्वरूपणे नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षतान् निवेदयामि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत् कल्प प्रसूना प्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धने बिबिलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्त नतापवर्गमखिलो दारम किशोराकृतिः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्माल्यां मल्लीभवा मौलिगले तले च मालां विशालां तुलसी दलेन सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणामुपसर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पाल्यं परिधापयामि, नमस्करोमि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनोऽभिरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासनन्दनाय नमो नमः। श्री सुखदेवाय नमो नमः। परमहंसाय नमो नमः। परिव्राजकाचार्याय नमो नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्य प्रणमामि, नमस्करोमि। ॐ श्रीश्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं मा इष्णन्निखाण मुम्बैखाण सर्वलोकामयिखाण हरिप्रियायै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे पुष्पं निवेदयामि, अर्घ्यं निवेदयामि, गन्धादिभिः सम्पूज्य श्रीतुलस्यै नमो नमः प्रणमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामभक्तञ्जनीनन्दं सङ्कटमोचन हनुमद्देवाय नमो नमः।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः व्यासाय नमो नमः पुष्पं निवेदयामि करकमलेभ्यो नमो नमः तिलकं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ यार्यवचसां यदगादरण्यं माया मृगं दैतेप्सित मन्मथावद वंदे महापुरुषते शरणारविंदं अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहोदपरो हरिः अभाललोचन शंभुर भगवान् बादरायणः व्यासाय नमो नमः पुष्पाणि पुष्माल्यां परिधापयामि सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवत जी के मंगल में आरती में सभी लोग मंत्र आरती में सम्मिलित होंगे अपने ही स्थान से हरि ओम ज्वाला मालिन्याय नमो नमः रत्नेश्वर्याय नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंगादिवि संपूज्य ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायता सोत्रात वायुस्य प्राणस्य मुखात अग्निर्जायत त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरणं प्रणमामि नमस्करोमि सभी लोग व्यासपीठ को नमन करते हुए भागवत जी को नमन प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान को ग्रहण करें आदर पूर्वक परमाराध्य ठाकुर श्री युगल बिहारी सरकार की महती पावन दिव्यातिथि बनुकंपा से पावन कृपा से भारत भूमि अखंड भूमि भारत की दिव्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बैठ करके हम सभी लोग रोहिणी क्षेत्रांतर्गत प्रशांत विहार के इस पावन नगर अग्रवाल भवन में बैठ करके श्रीमद् भागवत को कथा को श्रवण कर रहे हैं व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री जी महाराज के अमृतमय वाणी के द्वारा हम सभी लोग कथा का रसपान रसस्वादन कथा को श्रवण कर रहे हैं हम सभी लोग पुण्यात्मा हैं कि हमारे ही नगर में हमारे ही स्थान में बैठ करके श्रीमद् भागवत जी कथा श्रवण करने के लिए हम सभी लोगों को आपके मुखारविंद से प्राप्त हो रही है श्रीमद् भागवत में अपने आप में पुराणों का सम्राट है श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है जो जीव जिस कामना के साथ जिस भावना के साथ श्रीमद् भागवत जी के चरण को शरण को ग्रहण करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है तो आइए हम सभी लोग भागवत जी को नमन करते हुए महाराज जी से निवेदन करें कि अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा करके हम सभी के जीवन को पुण्य का भागी बनाए पूज्य महाराज श्री जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ
नमोस्तु रामा यशलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानुलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरोदगणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वाद चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गाद् नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कान्ते सितामृषतनिन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गशङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि श्रीराधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गो गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविन्द गोविन्द
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय सांचे दरबार की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय जय श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर त्रिदत पीतांबरधारी अकारण करुणा आवरणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंदकंद भगवान श्याम सुंदर की पावन सरसमयी परम मंगलमयी परम कल्याणमयी भगवत कथा के रसिक वृंद शक्ति स्वरूपणी देवियों विद्वत वृंद विप्र वृंद संगीतज्ञ कलाकार वृंद एवं श्री कृष्ण रसामृत सेवा समिति प्रशांत विहार रोहिणी दिल्ली
समिति के माध्यम से हमारे प्रभु की सेवा करने वाले समस्त भगवत चरणानुरागी रसिक वृंद, कथा प्रसंग को विराम दिया था। हमारे प्रभु द्वारिकाधीश का मां पराम्बा रुक्मिणी के साथ कैसे विवाह हुआ, चरण में जाने के बाद शरण का मार्ग अपनाना अच्छा है, लेकिन चरण में जाने के बाद हरण की वृत्ति हो ये बहुत दुखद हुआ करती है। हम और आप उस कृष्ण की कृपा से विगत 6 दिनों से मेरे राधे की शक्ति के फल पर जिस रस का रसपान कर रहे थे, आज उसके उत्तरार्ध का क्रम आ गया। एक वो दिन था जब कलश यात्रा की मस्ती थी, उमंग था, उल्लास था। एक आज का समय आ गया, शरीर शिथिल हो रहा। कई वक्त कोई मैसेज कर रहा है, कोई बात कर रहा। एक कृष्ण भक्त तो बोले, आप अंतिम श्लोक बोलना ही नहीं। हमने कहा वो शास्त्र की मर्यादा का पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन नंदोत्सव का श्लोक भी बोल दूंगा उसके बाद। आपके हृदय में, आपके जीवन में नंदोत्सव चलता रहे। भगवत कथा से जो प्रीति है, भगवान की कथा के लिए जो एक उल्लास होता है। कल हमने एक लाइन सुनाया था आप लोगों के साथ, कल ये परसों मैंने, लाखों के बोल सहे सबरिया तेरे लिए। तो भगवान की कथा के लिए, मेरे कृष्ण की सेवा के लिए समाज के ताने भी सुनने पड़े तो सुन लेना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों, किसी साधक ने बड़ा सुंदर कहा है, कुछ न बिगड़े गात्रा, कुछ न बिगड़े गात्रा, प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़े गात्रा, प्रभु की शरण आने के बाद। अब कुछ न बिगड़े गात्रा, प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़े गात्रा, प्रभु की शरण आने के बाद। बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़े गात्रा, प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़े गात्रा, प्रभु की शरण आने के बाद। भगवान के मार्ग में समस्याएं तो हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा उल्लास,
हमारे भगवान की कलश यात्रा इतनी सुंदर हो, हमारे गोपाल जी का श्रृंगार सबसे सुंदर हो, हमारे भागवत जी का श्रृंगार अच्छा हो, भागवत जी का स्थान अच्छा हो, यदि ये भाव है तो यही भाव आपको भवसागर से पार लगाएगा। हम और कुछ नहीं कर सकते, जब तक पूजन पाठ नहीं कर सकते कोई समस्या नहीं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना, और इतना भी करते रहेंगे तो कल्याण हो जाएगा। आप लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, और मुझे प्रसन्नता होती है इस समिति के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, उनके घर की देवियां हैं, अपने अपने शक्ति सामर्थ्य से ज्यादा प्रभु की सेवा में लगे, और प्रभु की सेवा में एक बात और ध्यान रखना, कभी यह मत सोचना ऐसा प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं आए कि वो ज्यादा क्यों कर रहा है, कि वो कम क्यों कर रहा है, ये कभी दिमाग में मत लाना। प्रभु की सेवा में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कौन कितनी सेवा कर रहा है, कन्हैया किससे क्या सेवा लेना चाहता है, यह विषय कृष्ण का है। अच्छा, अंगुली पांचों है कि नहीं बराबर, हर अंगुली से हर कार्य लिया जाता है, बोलो, सबका अलग अलग है, महत्वपूर्ण सब है, कार्य सबका अलग अलग है, और सब मिलते हैं तभी संगे शक्ति कलयुगे। उसी प्रकार अपने मन में कभी वृत्ति न लाना कि वो ऐसा ये ऐसा नहीं, हमको केवल एक कार्य करना है। ये न कहना प्रकार मना कृष्ण ने वैसे जैसे तैसे हमको अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है। हमारी वाणी में राधे का नाम हो, चित्त में राधे का ध्यान हो, जीवन का श्रृंगार राधे के नाम से हो, आंख खुले तो राधे के लिए और आंख बंद हो तो राधे के लिए। और जिस दिन ऐसी वृत्ति बना लोगे उसको द्रवित होना पड़ेगा। कुछ ना बिगड़े का तेरा प्रभु की शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद, सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद, सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद, कुछ न बिगड़े गा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़े गा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। आइए इसी भाव पक्ष को लेकर प्रार्थना करें, और व्यासपीठ से आप सबके लिए कन्हैया से प्रार्थना, कन्हैया ये सब तेरे बच्चे हैं, तेरी बच्चियां हैं, इन सब पर ऐसी कृपा बिखेर, इनका जीवन प्रसन्न रहे, स्वस्थ सानंद रहे, और कन्हैया की कृपा से कुछ भी हो सकता है। आज सुबह सुबह एक ऐसी बेकार सूचनाएं आ गई, हमारे भाई लोग कुछ घबरा गए, साथ में था, मैंने कहा आप घबराइए नहीं, परेशान नहीं हुए, कुछ भी नहीं होगा, वहां कुछ भी नहीं होगा,
और थोड़े समय के बाद वो जो काले बदल आए थे छट गए और निश्चिंता के साथ वो कथम बैठे हैं। यानी एक कण भी उसके आ जाते तो शायद वो कथा में न बैठ पाते। हमने कहा क्यों घबरा रहे हो, जाने दो मेरे कृष्ण के ऊपर, कन्हैया के ऊपर छोड़ दो। और संयोग से वहां पहुंचा तो सबसे ऊपर टाप में चला गया दौड़ के। बाहर से लोग शोर मचा रहे, मत जाइए वहां सिलेंडर फट जाएगा, ये होगा। और उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा भाई, चिंता नहीं करो। क्यों? मुझे पता था कि जहां तक चले जाएंगे वहां तक इसके कण नहीं आएंगे। अब मैं इसके लिए वहां गया था, मैं कन्हैया मेरा संकेत किया था, ये मेरी राधे की शक्ति थी। और मुझे विश्वास था कि जहां जहां तक चला गया हूं अब यहां इस लपट की कण नहीं आएगी। और आगे से निकल रही थी महाराज कि उसका धुआं 3-4 किलोमीटर दूर तक दिख रहा था। ये किसकी कृपा है? कृष्ण की। उसकी कृपा से सब संभव है, उसकी कृपा से सब संभव है, कुछ भी कर सकता है वो, कभी भी बचा सकता है और कभी भी वो डुबा सकता है। आपका विश्वास है तो किसी में ताकत नहीं कोई डुबा देगा, और विश्वास डगमगाया तो फिर कोई बचाएगा इसमें भी किसी के पास कोई ताकत नहीं होती। इसलिए उस कृष्ण पर मेरे विश्वास करना, मेरे कन्हैया की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे, मेरी यही कृष्ण से प्रार्थना। आइए शेष प्रसंग का रसपान करें। कथा प्रसंग को विराम दिया गया था भगवान के विवाहोत्सव के बाद। प्रभु के यहां प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म हुआ। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपाद्यत। सैव जातो वैदर्भ्याम् कृष्ण वीर्य शमो भवा प्रद्युम्नैति विख्यातः सर्वतो नो महापितुः। भगवान के यहां प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म हुआ। रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन कृष्ण जी के मन में न कोई हर्ष न कोई विषाद। संभ्रासुर नाम का एक दैत्य था जिसको वरदान मिला था, कृष्ण के यहां जो प्रथम पुत्र होगा उसके द्वारा तू मारा जाएगा। मृत्यु से बचने के लिए उस बालक को वो ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। रुक्मिणी को बड़ी पीड़ा हुई, द्वारिकावासी बहुत व्यथित हुए। उस बालक को मछली निगल गई, प्रभु उसकी रक्षा मछली के पेट में किए। जब रक्षा का भार प्रभु के हाथों में होता है तो कोई समस्या नहीं होती। प्रभु की माया, मछुआरे मछली को पकड़ने के लिए आए, जाल में वही मछली जिसके पेट में बालक था। मछली बहुत बड़ी थी, मछुआरे सोचते हैं ये तो संभ्रासुर के लायक है, हम क्या करेंगे। लगे संभ्रासुर क्या मछली को जब चीरा तो उसके अंदर से एक दिव्य बालक निकला। संभ्रासुर सोचता था मेरा काल समाप्त हो गया,
लेकिन उसका काल उसी के पास बड़ा हो रहा है। वहां नारद की पत्नी रति मायावती के रूप में पहले से दासी बनकर के सेवा कर रहे थे। नारद जी सारा प्रसंग बता दिए थे और जैसे वो बालक मिला उसको सेवा के लिए, संबरासुर जब उस बालक को देखा बड़ा आश्चर्य हुआ और उस बालक की रक्षा के लिए मायावती को नियुक्त कर दिया कि तुम इसकी सेवा करो रति को। बालक जब बड़ा हुआ, रति एक दिन श्रृंगार करके आई। प्रद्युम्न ने कहा क्या बात है, मां के रूप में सेवा करती थी लेकिन आज आपका जो श्रृंगार है, आज आपका जो हाव भाव कटाक्ष है वो थोड़ा सा विकृत है, कारण क्या है? उस बालक ने कहा कि हे देवी कारण क्या बताओ, मां के रूप में सेवा करने वाली और आज आपका श्रृंगार तो विकृत है। तो उस देवी ने कहा भवान नारायण सुता संबरेणारतो गृहात् अहम् तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी मां नहीं हूं, आपकी पत्नी रति हूं, आप कामदेव के अवतार प्रद्युम्न हो, संबरासुर आपका पिता नहीं है, ये राक्षस मृत्यु से बचने के लिए आपको ले जाकर के फेंक दिया था समुद्र में, भगवान की कृपा आपकी रक्षा हुई, आपके असली पिता हैं द्वारिकाधीश और मां है रुक्मिणी। प्रद्युम्न शंबरासुर का उद्धार किए, द्वारिका पहुंचे रति के साथ। द्वारिका वासियों के मन में न कोई हर्ष है न कोई विषाद है, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा जब जिसको जैसा चाहे कर दें, जब जिसको चाहे अपना लें, जब जिसको चाहे ठुकरा दें, जिसको चाहे बचा लें, जिसको चाहे डुबा लें। देखो भगवान कृष्ण की कथा, इस कथा को प्रायः थोड़ा दो मिनट चर्चा करूंगा फिर आगे चलता हूं। परीक्षित के मोक्ष की कथा इसको बताते हैं क्यों भाई शास्त्र जी? भागवत की जो कथा है, थोड़ा श्रोताओं एकाग्रता सुनना इस प्रसंग को, ये परीक्षित के मोक्ष की कथा है। परीक्षित को मोक्ष हो गया ये सब सुनते हो और वक्ता लोग सुनाते हैं, एक बार नहीं कितनी बार सुने और सुनाए लेकिन हमको क्या मिला, हमें मिला क्या इस? ठीक है 7 दिन हम बैठे, हमारे मन को अच्छा लगा, आनंदित हुए, 10 लोग आए, एंजॉय किए, उनके साथ गपशप किए, बोले बात किए, 4 लोगों से मिलना हुआ इसी बहाने, ये अमुक अच्छा अमुक बुरा इसका निर्णय किए इसमें नहीं, फिर आप कथा को समझे ही नहीं। यदि आप कथा में बैठकर थोड़ा ध्यान सुनेंगे भाई लोग, हमारे सभी जितने श्रोता हैं बड़े एकाग्रता के साथ, इस कथा का फल यदि आप लोग लेना चाहते हो तो एक काम किया करो, कथा का फल तो आपको मिल जाएगा, 7 दिन नहीं 1 दिन में दिख जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं। लेकिन एक बात आप मेरी मान लो, एक बात आप मेरी मान लो, सारी बात का नहीं आपकी मान लेगा। यदि विचार हो तो मैं इस बात को बोलूं, नहीं तो नहीं बोलूं, नहीं मानना ना, चलो ठीक है।
देखो ये कथा मोक्ष की कथा है और ये कथा बंधन की भी कथा है, दोनों बात है। बंधन और मोक्ष का अर्थ क्या होता है, बंधन का मतलब क्या, मोक्ष का मतलब। यदि आपके चित्त में, ध्यान सुनना इस बात को, यदि आपके चित्त में संसारी बैठे हैं, यदि आपके चित्त में संसार की बातें बैठी हैं, यदि आपके चित्त में विषय भोग बैठे हैं, यदि आपके चित्त में राग और द्वेष की वृत्ति बैठी है, तो आपका मोक्ष होने वाला नहीं है। एक नहीं हजार कथा सुन लो, मोक्ष नहीं है। लेकिन कथा में केवल चार घंटे के लिए चित्त में केवल अपने कृष्ण को बैठा लो, मात्र चार घंटे के लिए चित्त में कृष्ण को बैठा लो, बाकी सबको भुला दो। हंसेंगे कृष्ण से, रोएंगे तो कृष्ण के लिए, देखेंगे तो कृष्ण को, बात करेंगे तो कृष्ण से, चार घंटे केवल चित्त में कृष्ण को बैठा लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक दिन में ही आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहां जितने विग्रह विराजमान है, ये जो जहां भी है, कथाओं में जब बैठते हैं तो हमारे चित्त में कौन होता है ये बताओ। हमारे चित्त में हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे सहपाठी, ये तो कथा के बाद भी मिलेंगे। जब तक मृत्यु लोक में है तब तक मिलेंगे, तब तक इनके लिए स्थान खुला है। चार घंटे कृष्ण के लिए दे दो, आपका मोक्ष न हो, माया की समस्याओं से मुक्ति न मिले, तो बाबा गर्दन उतार लेना। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं इस बात पर, चार घंटे चित्त में कृष्ण को बैठाओ ना। अब यही समस्या है कि आए कैसे, एक समस्या ये भी है, आए कैसे, तो वो आ जाएगा। आप उसकी कथा में आओ, बस आप उसकी कथा में आओ, वो आ जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे मान लो हमारे भाई लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं समिति के, जितने रिश्तेदार लोग आते हैं नंदोत्सव रुक्मिणी मंगल में, वो इसलिए नहीं आते कि हम कृष्ण के लिए आए हैं, वो इसलिए आते हैं कि हमारे रिश्तेदार कथा करवाए हैं, और न जाएंगे तो उनको पीड़ा होगी, और हम भी जब कथा में बैठ के उनको देखते हैं तो जितना उनको देख करके मुस्कुराते हैं उतना कृष्ण के लिए मुस्कुराते नहीं है। आप करो, मैं चाहता हूं आप लोग कुछ लो। परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष इसीलिए मिल गया, परीक्षित का ही परिवार था, यहां तक कि ऋषि महर्षि संत बैठे थे, परीक्षित के चित्त में कोई नहीं आया। परीक्षित के चित्त में कृष्ण, यदि चित्त में कृष्ण है वही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, और आपके चित्त में संसारी हैं तो वही बंधन का मार्ग प्रशस्त होता है। हम बंधन के मार्ग में चलकर और मोक्ष की बात करें, यह कदापि संभव नहीं है। और एक बार ज्यादा नहीं, एक दिन ऐसा करके देखें, प्रयास करके देखें, और जिस दिन आप लोगों के मन में ऐसा भाव होगा करना है तो वो सूत्र आपको दे देंगे, ऐसे नहीं देंगे। अपात्र को सूत्र देने से भी प्रायश्चित होता है, जहां श्रद्धा ना हो वहां ज्ञान की बात भी। अश्रद्धया उत्तम दत्तम, बगैर श्रद्धा के दी हुई आहुति को देवता भी स्वीकार नहीं करते महाराज। आजकल तो खड़े खड़े स्वाहा फेंक देते हैं, 5 आहुति तो करना है। अश्रद्धया उत्तम दत्तम, तो ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, आप तर्क दे सकते हो महाराज हम तो परिवार में हैं, समाज में हैं, हमको सब कुछ देखना
पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बात भूल जाते हो कि परिवार बाद में है, समाज बाद में है। कृष्ण हमको आपको देखने के लायक कौन बनाया है बोलो? परिवार, समाज, पड़ोसी, फिर? तो जो देखने के लायक बनाया है, जो चलने के लायक बनाया है, जिस राधे की शक्ति से हम कार्य कर रहे हैं, हम उसके लिए क्या किए? उस कृष्ण के लिए हम क्या किए? इसलिए हम आप लोगों से बोले थे, इसको थोड़ा पकाना चाहता हूं मैं, आगे बढ़ो। यदि आप लोगों का संकल्प है कि चलता रहे, तो बाबा मेरा भी कोई संकल्प होगा कि आपको कुछ फल मिलता रहे। लेकिन फल लेने के लिए एक काम किया करो, जब तक कथा में रहो ना, यहां कथा में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, हमारा किसी में ध्यान नहीं, कौन कहां है, मेरा कृष्ण अपना है, बस उसके चिंतन में खो जाओ, आपकी सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, सारे कार्य अच्छे हो जाएंगे। क्यों? हमको समाज में नाम नहीं, हमको कृष्ण के पास नाम चाहिए, राधे के पास नाम चाहिए। हमने आपसे प्राय रोज एक बार संकेत करता हूं कि इस जीवन का एक ही उद्देश्य है, कृष्ण और मेरी राधे, और है तो उसके लिए चलो, एक लक्ष्य लेकर के चलो। तू वियोग में रखेगा, हम तुझे रो करके पुकारेंगे, कब तक रुलाएगा, कभी न कभी तो तुझे दया आएगी। तू संयोग में रख चाहे वियोग में रख, जैसे तेरी मर्जी रख, लेकिन तू जहां भी रखेगा, जैसे भी रखेगा, रहेंगे, लेकिन किसके लिए? मेरे कृष्ण हरे, मेरे श्याम हरे, 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 मेरी राधे मेरे कृष्ण मेरे श्याम हरे, मेरी राधे मेरी श्यामा मेरे कृष्ण हरे। जीना है उसके लिए, आओ ना इस रूप में, केवल कथा परिसर में ऐसे बैठ लिया, इसका फल लेके जाओ, तभी मोक्ष की कथा समझ में आएगी। क्यों भाई शास्त्री जी महाराज? मोक्ष की कथा तभी समझ में आएगी जब तक आप विषयेंद्रिय संयोगात है या राग द्वेष काम क्रोध, ये भागवत समझ में नहीं आएगी। पढ़ते रहो ना, एक से एक भागवत पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, कर नहीं रहे, भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत को पढ़ो नहीं, भागवत पढ़ने का विषय नहीं है, भागवत तो डूबने का विषय है, डूबो ना मस्ती में, आओ ना मेरे कन्हैया की मेरी राधे की बस्ती में, आओ ना, चलते फिरते उठते बैठते आपके जीवन की जब क्रिया बन जाएगी, वही आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए अब चाहते हैं कि जब तक कथा परिसर में रहो, ठीक है कि नहीं, प्रयास करोगे? आज थोड़ी देर के लिए देख लेना, ज्यादा नहीं, आज ही बैठे हो ना, कल की छोड़ो, थोड़े समय के लिए भूल जाओ, कोई नहीं है यहां, जिनकी देवियां हैं वो देवियां साथ ही जाएंगी, अलग नहीं होगी, चिंता नहीं करेंगे,
जिनके देवता हैं कथा के बाद साथ ही जाएंगे। हम वृंदावन नहीं ले जा रहे हैं किसी को, क्यों मुझे पता है कोई चलने वाला नहीं। चलने का संकल्प करोगे तो ले भी चलेंगे। आओ ना उसकी मस्ती में। मेरे कृष्ण हरे, मेरे श्याम हरे, मेरे कृष्ण हरे, मेरे श्याम हरे, मेरे कृष्ण हरे, मेरे श्याम हरे, मेरे कृष्ण हरे, मेरे श्याम हरे। ऐसी मस्ती जब आएगी ना, माया की समस्या तो कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। अभी जहां मूल समस्या है वहां तो जा ही नहीं रहे हो, भटक रहे हो यहां वहां। तो बंधन और मोक्ष समझ में आ गया कि नहीं। चित्त वृत्ति में यदि राग द्वेष है, संसारी बैठे हैं, वही बंधन है। जो चित्त वृत्ति में केवल कृष्ण है, राधे है, वही मोक्ष। बस इतना ही करना है। भगवान कृष्ण के चित्त वृत्ति में संसारी नहीं है, इसलिए वहां कोई समस्या नहीं। लेकिन जिनके चित्त वृत्ति में संसारी बैठे हैं वहां तो समस्या है और रहेगी, है भी और रहेगी। तो इससे थोड़ा पृथक करने के लिए, आप संसार में रहते हो, संसारियों के चित्त में तो बैठाओगे ही, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, एक सीट खाली कर लो बस। बस का सफर तो आप लोग करते होंगे कि नहीं, बस के सफर में एक सीट खाली रखो, अब बाकी कितने भीड़ रहे कोई समस्या, कौन सीट खाली रहे ड्राइवर की, तो चित्त की सीट खाली कर लो। चित्त की सीट में गोपियां परिवार में थी, परिवार से बाहर नहीं गई हैं, पति पत्नी थे, उनके बच्चे थे, ग्वाल बाल परिवार में थे, समाज में थे, लेकिन जो चित्त की सीट थी, लेकिन जो चित्त की सीट थी ना, उसमें कृष्ण को बैठा लिया। चित्त की सीट में कृष्ण बैठ गया, कल्याण हो गया। और जहां चित्त की सीट में कृष्ण बैठे वहीं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसीलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने यही तो कहा है, नहरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो जग में सदा ऐसे कमल रहता है पानी में। भाई बगैर पानी के कमल तो रहेगा नहीं, लेकिन कमल पानी में रहता हुआ अलग है। आप बिना संसार के तो रहोगे नहीं, रहना तो संसार में ही आपको भी, और इसी संसार में कृष्ण को पाना है। बस रहने की कला सीखो, और जिस क्षण रहने की कला सीख लोगे उसी क्षण आपका कल्याण हो जाएगा। यही है इसका राज। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मोक्ष और बंधन को सांकेतिक रूप से आपको समझाया हूं, अब आगे कथानक में चलता हूं। भगवान बालकृष्ण प्रभु की कृपा, प्रद्युम्न की रक्षा, द्वारिकावासी को पाके गदगद, सूर्य के उपासक सत्राजित, जिनके पास शमंतक मणि थी, शमंतक मणि का अर्थ था एक दिन में 8 मन सोना, पूरा नगर पदार्थ से भर गया लेकिन मन का कोना खाली रहा। भगवान ने कहा सत्राजित से, राजन बहुत सारी संपत्ति एकत्रित कर लिए हो, अब ये मणि मुझे दे दो।